अच्छा मतलब ये कहानी पहले से शुरू है, मतलब इसके घर के बड़ों की रेखी की पहले, फिर उन्हें अपने प्यार में फंसाया, अपने प्यार के जाल में फंसाया। पापा जी शक्ल जितनी भोली लगती है नहीं, ये किसी चोर बाजार से आई है, I'm sure। नहीं पुत्र, ये हमारे घर में रहती है, कुछ दिन से अपनी दोनों बहनों के साथ हमारे घर में ही रहती है। तुम्हारी बहनें आ गईं। जा पुत्र, अपनी बहनों को घर के अंदर ले आ। जा। रानू, गलती हमारी ही है। हमें पहले ही सब कुछ सच बता देना चाहिए था। हम बेकार में डरते रहे, और वो भी अपने बेटे से। नहीं, अब नहीं डरेंगे ऋषि। तुझे सब सच बताएंगे। रानो, आज सच सामने आ नहीं दे, तू बताएगी या मैं बताऊं? हाँ, अब आप बता रहे हो तो फिर आप ही बता दो ना। ये तीनों बहनें रानो के दूर के रिश्तेदार की बेटियां हैं। ये लड़कियां मेरे रिश्तेदारों की बेटियां तो हो ही नहीं सकती, पर क्या करें, होना ही पड़ेगा। ओ, तो ये लोग अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहते कि हम बानी नानी के नातने हैं। तो हाँ हाँ वो ये तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं, ये मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटियां हैं, राइट। दूर के रिश्तेदार, मैं 80+2 हूं और सारे दूर के रिश्तेदारों को मैं जानती हूं, फिर ये दूर वाले कौन है? बीजी, ये ना आपकी उम्र से भी पुराना रिश्ता है, राइट। हाँ, कह कि ये रानो के दूर के दादा के ताऊ के चाचा की बेटे की बेटियां हैं। हाँ बिल्कुल, आप मिले नहीं ना उनसे कभी? हाँ, रानो के रिश्तेदार इतने दूर दूर रहते हैं कि दिल के करीब कभी आ ही नहीं सकते। बीजी, मैं तो आपके पास रहती हूँ ना, मैं कभी आपके दिल के करीब आई हूँ जो आप इनकी बात कर रहे हैं? रानो प्लीज, आप सास बहू ना फिर से चिक चिक मत शुरू कर देना। बात आप सास बहू की नहीं हो रही, इन बच्चियों की हो रही है। ये बच्चियां हमारे घर में, हाँ, वो हमने इन्हें स्टोर रूम में रखा है। मतलब ऐसा ही था, जब मैंने कहा कि मैंने शोरूम में एक लड़की देखी तो आपने कहा नहीं ऋषि, लड़की तो हो ही नहीं सकती, लेकिन लड़की थी और ये थी उस दिन शोरूम में। तुम ही थी ना स्टोर में उस दिन, उस रात को तुम ही थी ना। ये लो कर लो बात, इसे कहते हैं प्यासा सावन, सावन बरसे बुढ़िया तरसे। मैं भी ऊपर नीचे हो रही थी कि ये तनुजा कहीं चली गई तो मैं इसे कहाँ ढूंढूंगी, और ये हमारे घर पर ही मिल गई। क्या नाम है तेरी बहनों का बेटा? बीजी, ये नदी और ये विधि। बीजी प्लीज कट इट आउट, इन पर भरोसा नहीं कर सकता, खास करके इस पर। धोखा वही देते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं।
ऋषि भाई, राजी तूने भी मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तूने भी नहीं बताया कि ये लोग हमारे ही घर पे रहते थे। और रानू तू तू तो मुझे किस्मत की कहानियां सुना सुना कर खूब उल्लू बना रही थी, तूने भी नहीं बताया मुझे। अब किसी किसी का बुरा वक्त बता करके क्या मिलेगा ना। हाँ बुरा वक्त आता है तो वो जल्दी चला भी जाता है। अब तूने देखा नहीं मेरे पे भी तो बुरा वक्त आया था पर चला गया, अब तेरी मुझ पे जलती ही नहीं। पहले तो मेरे गले पे बैठ जाती थी और मुझे लगता था कि मेरा गला अभी दबा कि तभी दबा। आज तक तेरा एक भी रिश्तेदार ना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर ये पहले दूर के रिश्तेदार हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तूने पहली बार सही रिश्ता जोड़ा है। ये दूर से तो आए हैं पर दूर के लगते नहीं। बेटा कोई कुछ भी कहे पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू हमारे घर की रौनक है। तनुजा ऋषि की बात का मुरा मत मानना, वो कहीं का गुस्सा कहीं निकालते। आज मुझे घर में देख के ऋषि को इतना गुस्सा आ गया तो तब कितना गुस्सा आएगा जब पूरा सच इनके सामने आएगा कि मैं कौन हूँ। परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, निधि निधि इस तनुजा की वजह से मैं रानी बन गई। अरे तू लाल परी और तेरा नो एंट्री में भी एंट्री कर सकते हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। एक मिनट तुझे याद है ना तूने मुझे सपोर्ट करना है। हाँ गुड गर्ल। सपोर्ट किस काम के लिए? अब मैं सपोर्ट करती हूँ ना, बताओ मुझे क्या करना होगा? फसाना है, आई मीन निधि को ना नकुल को फसाना है उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। क्या फसाना है? ऐसे क्या देख रही है तू, इससे डरते थोड़ी ना है, सब कुछ बोल देते ना इससे। निधि निधि ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं हमारी। हाँ अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो अलग बात है, लेकिन पैसों के लिए किसी को फंसाना नहीं, ये अच्छा नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे हो। तनुजा तू ज्यादा मत बोल समझी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, मॉम और नानी चाहते बस इसलिए कर रहे, तू ज्यादा बीच में मत पड़। और तुझे ना हम लोगों को रोकने के बजाय ना हेल्प करनी चाहिए, तुझे याद है ना मॉम और नानी ने क्या क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, अब तेरी बारी है, ठीक है ना? हेल्प करना है तो कर, नहीं तो चुपचाप बैठी रह, समझी? निधि चल चल आई बड़ी। पर निधि निधि मेरी चुप रहने का मतलब है मेरी बहनों के गलत इरादे का साथ देना, और इतने अच्छे सच्चे परिवार के साथ गलत करना, उन्हें धोखा देना, नहीं क्या करूं। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत, तू हमेशा सही रास्ता चुनना और सही का साथ देना। लेकिन अगर समझ में नहीं आए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत तो? जब हम अपने हाथों से कोई गलत काम करते हैं ना तो हमारे हाथ कांपते हैं, और जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमारे पैर, हमारे शरीर का रोम रोम बोलता है, दिल और आत्मा की यही आवाज़ आती है कि जो काम आप कर रहे हो सही नहीं है, गलत है वो, लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं, कदम कदम पर डर लगता है हमें, और जब काम करते हुए डर लगे तो समझ लेना जो तुम कर रही हो वो गलत है। मैंने भी अपनी जिंदगी में स्वार्थ के लिए गलत काम किया था, किसी अपने के लिए अपने की बात मानकर गलत रास्ता चुना था मैंने, बहुत गलत किया था मैंने, और उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। पर बेटा तू जिंदगी में कभी कोई गलत काम मत करना, क्योंकि तेरी ये गलती तेरी पूरी जिंदगी गलत करके रख देगी, तेरी वो गलती तुझे जिंदगी पर चीने नहीं देगी। नहीं मैं अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकती, जो चाचा जी ने कहा था मैं वही करूंगी, सही का साथ दूंगी और सही रास्तों पर चलूंगी, बस। गलती कर रहे हैं सब लोग, पछताएंगे। स्टुपिड भाई क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं मुसीबत, मुसीबत है वो, कुछ कुछ
कुछ गड़बड़ है। जब उसे देखता हूँ तो छोटे अजीब सा लगता है। भाई आपको तो हर लड़की को देख के अजीब। नहीं छोटे, जब उसे देखता हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। फीलिंग लड़की को देख के? कैसी फीलिंग भाई? अरे वो फीलिंग जब आती है तो एक एक्चुअली क्या है ना कि हम ज्यादा टाइम साथ में नहीं बिताते ना, उस वजह से मुझे समझ में नहीं आया कि आप तनुजा से इतनी नफरत करते हो या बोला तनुजा से और ज्यादा नफरत करते हो। नफरत करता हूं उससे, आई हेट हर, बहुत नफरत करता हूं उससे। ओह माय गॉड, कल भाई को जब पता चलेगा यही लड़की इनकी सेक्रेटरी है जिससे भाई सच में इतनी नफरत करते, तो मेरा क्या होगा? तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों भटक गया? भटक गया, सटक गया, दिमाग मेरा सटक गया भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे मुझे तुझसे बात करनी, बैठ जा भाई। बात भाई कल करते हैं ना, बात सुकून से आराम से। जितना भी प्यार आपके दिल में मेरे लिए उमड़ उमड़ के आ रहा है ना, कल करते। कल मुहूर्त भी है, प्यार का मौसम भी है और प्रेम दिवस भी है कल भाई। कल करते प्लीज। हाँ कल करते, नहीं आज करते भाई। ठीक है आज करते हैं, रोज करते हैं बात प्यार की, जब आप बोलो। नहीं भाई सुसु आ रहा है। हाँ सुसु आ रहा है, बहुत भाई कंट्रोल नहीं हो रहा भाई, प्लीज जा रहा हूँ। अरे कल बात करते भाई प्लीज। ससुआर है प्रेम, बगलों की फैमिली पूरी स्टूपिड पीपल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं! उफ़ो! फिर चिल्लाई? फिर से कोई बुरा सपना देख लिया क्या? किसे देखा सपने में जो इतनी परेशान हो रही है तू? मैंने देखा उसे, मैंने उसे किसे किसे को नहीं, किसी को नहीं। तू चिल्लाए क्यों? देख आजकल ना रात को तो कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगी है। तू ऐसे ही चिल्लाती रहेगी ना, घर के अंदर तो दूर, घर से बाहर निकाल देंगे हम लोगों को। देख अगर चिल्लाना ही है तो मन में चिल्ला, नहीं तो धीरे से चिल्ला, ठीक है? अब ना मुझे सोने दे प्लीज यार, सोने दे। बचपन से मैंने यही सपना देखा, पर सपने में कभी किसी का चेहरा नहीं देखा। आज देखो तो ऋषि का चेहरा। पर ऋषि का चेहरा क्यों? मतलब बचपन से मेरे सपनों में ऋषि, मतलब बचपन का कोई रिश्ता। क्या रिश्ता है ऋषि का मेरे बचपन से, मेरे सपनों से? और क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है मेरा ऋषि से? अच्छा चाचा फोन रख। अरे मम्मी आए, हाय मम्मी मिठाइयां चिटाइयां बांट लो, मैं और सैंडी ना कोमा से बाहर आने वाले हैं। कोमा से बाहर आने वाले मतलब? अरे निधि का फोन आया था मुझे, कह रही मम्मी मैंने सारी तैयारियां कर ली है, आज रात में निकुल के कमरे में सोने ही वाली है। क्यों सोएगी निधि नकुल के कमरे में? वो इसलिए ना क्योंकि उनके कमरे में कॉकरोच बेहोशी की दवा डाली है। बेहोशी की दवा? हाँ बेहोशी की दवा, ताकि सारे कॉकरोच खत्म हो जाए ना, इसलिए निधि विधि और तनुजा आज ना नकुल के कमरे में सोएंगी, है कि नहीं? हाँ। अच्छा ये सब छोड़, तू कहाँ यार टपक गया बॉम्बे? तूने तो कहा था कि तनुजा का एक्सीडेंट हो गया, अब उसे देखे बिना मेरा दिल कैसे रह सकता है? तू जाके जल्दी चाय बना, मुझे उससे मिलना है। नहीं मिल सकता। क्यों क्यों नहीं मिल सकता? अरे वो बिजी है ना, अरे उसकी नवी नवी जॉब लगी है, अरे काम धंधे में बिजी हो गई ना, तो नहीं मिल सकता उसे। पर उसका तो एक्सीडेंट हुआ ना। एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन अब तो वो भली चंगी बिल्कुल ठीक ठाक है, नौकरी करने लगी है कि नहीं? और तुम अपनी बात करो, इतनी दूर से अभी तक दरवाजे पर खड़े हो, अरे कोई ट्रेन में भागने वाली है क्या? आ जाओ जाओ अंदर आ जाओ। नेहा जा साउंड के लिए चाय बना कर ला। क्या कहा माता जी? मेरा मतलब ये है कि सैंडी के लिए चाय बना कर लो। हाँ आ जाओ, हाँ अभी तक बैठो।
जा ना। बेटा चाय के साथ और कुछ? भूख लगी होगी तुम्हें? इमादा जी आप जल्दी से चाय बना दीजिए बस। अच्छा ठीक है। हाय गुड मॉर्निंग। हाय। अच्छा हुआ कल तू घर जल्दी चली गई। सर बहुत गुस्से में थे, तुम्हारे लिए पूछ भी रहे थे। आई होप आज उनका मूड अच्छा रहे। 9 बज गए और सर अभी तक नहीं आए। इम्पॉसिबल, लगता है मेरी घड़ी बंद हो गई है। ओ तूने घड़ी क्यों नहीं पहनी है? पहनी है। 9 बजने में 1 मिनट है। मतलब सर को आने में 1 मिनट बाकी है। एक बात बता, तू घड़ी राइट हैंड में क्यों पहनती है? राइट हैंड में तो लड़के पहनते हैं ना। घड़ी रूल्स की कोई किताब थोड़ी ना होती, घड़ी है तो सब वक्त देखने के लिए पहनते हैं। और मैं राइट हैंड में इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे राइट हैंड में पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज जाओ मेरे से। एक मिनट, मुझे बात कंप्लीट तो करने दो। जब देखो बीच में टोक देती हो, डांटती रहती हो, लेट मी कंप्लीट यार। मैंने बहुत लड़कियों देखा है घड़ी पहने हुए। हाँ वो भी लेफ्ट हैंड में। अरे राइट हैंड में तो लड़के घड़ी पहनते हैं नहीं? घड़ी पहनने के ना कोई रूल्स नहीं होते। घड़ी का काम है वक्त बताना, फिर चाहे उसे लेफ्ट हैंड में पहनो या राइट हैंड में। मुझे राइट हैंड में पहनना पसंद है इसलिए मैं राइट हैंड में पहनती हूँ। यू हैव अ प्रॉब्लम? मतलब मेरा दिल कहता है राइट हैंड में पहनो तो मैं पहनती हूँ। यू हैव अ प्रॉब्लम? ए अभी जा जल्दी, 9 बज गए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। कौन है ये लड़की? ओ तो ये ऑफिस रूम है।
गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी नई सेक्रेटरी। तू बड़ा पीछा क्यों कर रही है? पहले घर फिर बाहर, अब ऑफिस में। मैंने कहा था मेरे सामने बताना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पहले ही आ गई थी। मेरा मतलब है आपके ऑफिस में आपकी सेक्रेटरी बनके आपके बोलने से पहले। जी सर, वो मैं मुसीबत, मेरा मतलब है आपने पुलिस स्टेशन में मुझे मुसीबत कहा था ना, उससे पहले। तुम जानती भी हो मेरी नई सेक्रेटरी कैसी होगी? जानती हो? जी सर। कैसी? कि आप जितना भी डांटो, एक कान से सुने दूसरे कान से बाहर निकाल दे। आप जितना भी चलाओ, जितना भी खून चूसो, लेकिन जॉब छोड़ के ना जाए। और सर उसके बाद तो Get out. Leave office now. Get out. Job. Or ye, please, ye. Chale jao. Go. Steve, 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 Steve
मिल गई है मुझे ऐसी लड़की जिसने मेरा दिल जीत लिया जैसे तनु ने जीता था। मैं वादा करती हूँ मैं कल ही तुझे उससे मिलवाऊंगी। तुझे उसकी आंखों में तनु की छवि जरूर नजर आएगी। क्या हो गया भाई? उस लड़की को ना मुसीबत बना लिया आपने। सीरियसली चूंकि वो मुसीबत है, वो बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे। मुझे काम करना, तू जा, तू जा। तो मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूँ कि काम मत करो, करो ना जितना चाहे काम करो। अब तब तक मैं उसको रोकता हूँ। काम करो भाई, कीप गोइंग। बेदी बेदी पता नहीं क्या समझते हैं अपना। मुझे गेट आउट बोला, मुझे नहीं काम करना ऐसे खड़ूस के साथ। सुनो सुनो सुनो, देखो इतना गुस्सा करना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, रिलैक्स ओके। आप ये जाकर ना अपने भाई को बोलिए मैं हिटलर बटलर किसी के साथ भी काम कर लूंगी, लेकिन उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो हर लड़की से नफरत करते हैं, लेकिन मुझसे तो बहुत ज्यादा करते हैं। तनुजा सुनो, अरे सुनो तो, अरे तनुजा एक मिनट सुनो। देखो तुम्हें जॉब छोड़ के जाना है, चली जाना, बट 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज, बस 2 मिनट ओके। ठीक है, थैंक यू। चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। तुम भाई से बहुत ज़्यादा अपसेट हो है ना? आप नहीं जानते उन्होंने मुझे क्या क्या कहा। आई नो भाई ने बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा, पर कॉफी 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 पियो। यू नो भाई पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आई मीन जब मैं और ऋषि भाई, हमारी जब पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हुई थी ना, तो भाई बहुत ज्यादा हंसमुख हुआ करते थे, सबको हंसाते थे। इवन कोई इंसान रो रहा होगा ना उसको भी हंसा देते थे भाई, इतने अच्छे थे, मस्ती करते थे, फ्लर्ट, आई मीन हर लड़की ना भाई की दीवानी होती थी, दीवानी। राज हर लड़की भाई से दूर भागते, इवन सेक्रेटरी भी। आई मीन तुम भागने वालों में से तो नहीं हो ना, राइट? नहीं हो ना? नहीं। यू नो एक जमाना था जब हर लड़की ऋषि भाई पे फिदा हुआ करती थी, फिर ऋषि भाई ने तनु को देखा और तनु पे फिदा हो गए। अनफॉर्चुनेटली तनु की शादी किसी और से हो रही थी और ऋषि भाई की किसी और से। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? हाँ, पर जमाना तो प्यारा नहीं था ना, क्या करते। लेकिन फिर भी ऋषि भाई का प्यार सच्चा था। उन्होंने तनु को किडनैप किया और किडनैप करके मंदिर में शादी कर ली। पर शादी के बाद भी विलेंस ने पीछा नहीं छोड़ा। भवन जिसकी शादी तनु से होने वाली थी, शादी के बाद भी ऋषि भाई और तनु को मारने के लिए अपने आदमी छोड़ दिए। और दूसरी तरफ थी वो नेहा जिसकी शादी ऋषि भाई से होने वाली थी, उसने भी ऋषि भाई और तनु को मारने के लिए अपना बॉयफ्रेंड उनके पीछे लगा दिया। यहाँ के बॉयफ्रेंड ने ऋषि भाई पे गोली चलाई और
आखिर और भाई को बचाने के लिए तनु ने गोली अपने सीने पे ले ली। तनुजा क्या हुआ? तनुजा आंखें खोलो। तनुजा क्या हुआ? तनुजा बेटा पानी लाओ। तनुजा आंखें खोलो। क्या हुआ? ओपन योर आईज। ठीक हो ना तुम? फाइन, थैंक गॉड। आई थिंक आई एम श्योर तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, उस वजह से तो शायद मैंने भी नहीं खाया। सच सच बताओ, हुआ क्या? तुम बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ? जो आपने मुझे कहानी सुनाई ना, हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे वो सब मैं जानती। एक्चुअली क्या है ना कि भाई बहुत ज्यादा फेमस है, भाई की स्टोरी बहुत फेमस है। आई एम श्योर किसी ने ना तुम्हें ये स्टोरी जरूर सुनाई होगी। अब वो क्या है ना कि एक स्टोरी हम बार बार सुनते हैं ना, तो वो स्टोरी हमें अपनी लगने लगती है। अब जैसे भाई तुम्हें बार बार डांटते होंगे तो तुम्हें वो अपने लगने लगे होंगे, है ना? लगने लगे ना क्यों? आई नो अब ये तुम जॉब छोड़ के नहीं जाओगे, तुम भागने वालों में से नहीं हो। हाँ, नहीं छोड़ोगी जॉब, है ना? थैंक गॉड। अब वैसे सुनो, अगर भाई तुम्हें डांटे ना तो तुम एक कान से सुनने का और एक कान से निकाल देने का, आई मीन राइट कान से इन और लेफ्ट कान से आउट। कूल बेटा, कूल बेटा। मैंने ऐसा नहीं लगता कि मैंने ये कहानी सुनी है, ऐसा लगता है कि मैंने ये कहानी देखी है। जैसे जब ये कहानी बनी तो मैं बनी, मैं शायद वही, जैसे ये पूरी कहानी मेरी। तुम तो वही हो ना जो उस दिन आप जॉगर्स पार्क में मिली थी। एग्जैक्टली, जब मैं उस लड़की के पैर को चेक कर रहा था जिसके पैर में मोच नहीं आई, आई मीन मोच आई थी, वो एक्चुअली मेरी सिस्टर थी, निधि। बट उस दिन तो तुम मुझसे पूछ रही थी कि वो मेरी बहन है कि नहीं। वो क्या है ना, हम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो उस दिन भी हम लोगों ने झगड़ा किया। तो जब हम लोग गुस्से में होते ना तो ऐसे दिखाते हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते। अच्छा, ऐसा करते आप लोग। सो तुम दोनों तनुजा की बहनें हो, राइट? मैंने तो तुम्हें सिर्फ निधि के बारे में बताया, तो फिर तनुजा के बारे में तुम्हें कैसे पता? नहीं, एक्चुअली मुझे मनप्रीत चाचू ने बताया कि हमारे घर में तीन लड़कियां रह रही हैं, सो दैट्स हाउ आई नो। ओह, बाय द वे, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। या या अंदर चले, एक्चुअली मुझे बहुत प्यास लग रही है, गप्पे शप्पे मारते हैं। अब तो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस भी हो चुके हैं, कोशिश करते एक दूसरे को जानने की। या कम तो और भी जान जाओगे। ये है मामा का प्लान, ये पुड़िया नकुल के अंदर और फिर मैं घर के अंदर। जॉन जूस लेके आना। जूस? अरे कहाँ रह गई थी? कम सिट। हाँ। जूस? अच्छा। जॉन दो ग्लास जूस लाना। यस सर। सो तुम दोनों बहनें लड़ने के अलावा क्या करती हो? कुछ नहीं है, उस दिन तो ऐसे ही हम लोग। अरे वाह, जॉन इज वेरी क्विक। सर शुगर रखा है, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ले लें। हाँ ठीक है, थैंक यू। एक सेकेंड, आई थिंक मैसेज आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। जूस पियो ना तुम्हारे लिए। हाँ, मैं सोच रही थी कि शुगर मिला। हाँ, एक सेकंड, मुझे एक कॉल देना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बोल। आपके जूस में भी शुगर मिला ना? हाँ, एक चम्मच। हाँ हाँ, बोल, तुझे नहीं बोल रहा। कूल, बाय। जूस। ओह, थैंक यू। चीयर्स। कुछ नहीं। हाँ, जूस। सो तुम पियो, मुझे फ्रेश होने जाना है। हाँ, बाय।
नाइट। मम्मा को बोल देती हूँ कि इसको पिला दिया। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं आंटी। मैंने पूछा क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? वो आपने कहा था ना घर के अंदर नहीं आना है। मैंने कहा था तो फिर तुम घर के अंदर क्यों आई? वो एक्चुअली क्या है ना आंटी, मैंने बीजी के लिए सूप बनाया था और वो मैंने तनुजा को दिया। तनुजा लेके गई है, मैं भी जा रही हूँ। बाय आंटी। अजीब कार्टून लड़कियां हैं। बाल बाल बच गए, अब आज रात के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। निधि भी नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। चल चल विधि, बहुत काम है, बहुत काम है, चल। ओहो, मंत्र नहीं पढ़ा था ना इसलिए। चल अब तेरी बारी। छे, चीटिंग। तूने जरूर चीटिंग किया। नहीं बीजी मैंने। अरे जब इस उम्र में मैं चीटिंग कर सकती हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकती? चुप क्यों हो गई? क्या सोच रही है, बुरा मान गई? वो बीजी मैंने ना एक दिन तनु और ऋषि की प्रेम कहानी सुनी थी, जब आप नकुल से बात कर रहे थे उस दिन। तुम दोनों की कहानी अधूरी होते हुए भी पूरी है। वो कैसे? वो ऐसे कि तनु और ऋषि साथ नहीं है पर आज भी उसके आसपास है। कैसे? तू नहीं समझेगी। तूने अब तक प्यार जो नहीं किया, जब तुझे प्यार हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आएगा। मेरी तनु बहुत अच्छी बच्ची थी और मेरे बदमाश ऋषि को उसने बदल डाला था। पता है तुझे देखकर मुझे तनु की याद आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि तू भी उस जैसी ही है, प्यारी सी बच्ची, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच कहूं तो तू तनु की छवि लगती है मुझे। बीजी क्या मेरी कोई बात, कोई आदत तनु जैसी है? क्या बात है, आज तू अचानक तनु में इंटरेस्ट ले रही है। कहीं तू तनु का नाम लेके ऋषि के बारे में तो नहीं पूछ रही? हाँ मत पूछ, मेरा पोता ना ब्रह्मचारी हो गया है, वो तो किसी लड़की के सामने फटकता भी नहीं है। मैंने उसे कहा था कि एक लड़की ना मुझे ला दे जो मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, पर वो सुनता ही नहीं है। जी अच्छी बात है कि वो नहीं सुनते, नहीं तो कोई दूसरी लड़की उनकी बातें कैसे सुनेगी? बीजी आपका पोता ना बड़े खड़ूस है। अच्छा? नहीं नहीं, थोड़ा अच्छा भी है। उस दिन तो क्या हुआ ना, उसे गलतफहमी हो गई थी इसलिए तुझे डांट दिया, पर ऑफिस में तो तुझसे अच्छे से बात करता होगा। बीजी पता है वो ऑफिस में कैसे बात करते है? मैं बताती हूँ, मैं ऋषि बनती हूँ। हाँ, ठीक है, और आप ऑफिस की कोई भी लड़की। ठीक है ठीक है, मजा आएगा। चश्मा बीजी, मैं ऋषि। ठीक है बीजी, स्टार्ट। हाँ सर। तो मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ जब देखो मेरे सामने आ जाती हो, जब देखो टकरा जाती हो। अरे खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। जब देखो तुम इतनी बेवकूफ हो या बेवकूफ बने या नाटक करती हो। Are you dumb in your head? निकल जाओ यहाँ से, get lost। ऋषि? हाँ बीजी मैं ऋषि। ऋषि देख इतना अच्छा सूप बना के लाई है, उधर क्यों खड़ा है, इधर आना। क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है सब? एक्टिंग। एक्टिंग? एक्टिंग कर रही थी ये, एक ड्रामे की एक्टिंग। अच्छी एक्टिंग कर लेती है ना। Whatever। तू कहाँ चल दिया? बस देखने आया था कि आप ठीक हैं कि नहीं। अगर देखने आया था तो मेरी तस्वीर ही देख लेता, और अगर मिलने आया है तो बैठना लूडो खेलते हैं। फिर कभी। चल बेटा हम दोनों ही खेलते, इस घर में ना इस बुढ़िया की कोई सुनता ही नहीं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। इतनी उम्र हो गई है 82+2, पता नहीं कितने दिन है मेरे पास, लेकिन किसी को भी इस घर में मेरे लिए टाइम ही नहीं। Just one game. एक गेम तो पहले खेल,
दूसरा तो मैं खुद ही खेल लूंगी। बेटा जल्दी से वो डिब्बा दे गोटियों वाला, जल्दी कर। जब तनु पास आती थी तो उससे भी ऐसी ही खुशबू आती थी। ये ले बेटा, गोटी लगा दे। हे माँ काली, कुछ कर। ऋषि तनुजा एक पल के लिए ही सही एक दूसरे की आंखों में देख लें, आंखों के रास्ते ऋषि तनुजा का दिल देख लें, इसकी आत्मा देख लें, इसका हाथ पकड़ लें और इसे भी तनु की याद आ जाए जैसे मुझे आई थी जब मैंने तनुजा का हाथ पकड़ा था। शुरू करें। हाँ हाँ, ये ले बेटा, पहले कुछ खेल।